हे एवरीवन, दर्शन इज हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप लोग सब मजे में हो गए। सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ एन्यू रिपब्लिक स्टारबॉय की तरफ से आने वाला वायरलेस हेडफोन का, और उसके साथ ही मैं इसके प्राइस टैग के बारे में बात करने वाला हूँ और फीचर्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। इन अंत में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये वायरलेस हेडफोन इस प्राइस रेंज के अंदर परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सभी पॉइंट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम करते हैं अनबॉक्सिंग। तो गाइस, अगर बात करें इस हेडफोन का फर्स्ट इंप्रेशन का, तो यहाँ पे बॉक्स के ऊपर सबसे पहले आपको यहाँ पे एनयू रिपब्लिक स्टारबॉय का एक ब्रांडिंग मिल जाएगा। उसके अलावा नीचे लिखा है ऑल अबाउट द बास। अगर आप बास ज़्यादा पसंद करते हो तो ये हेडफोन आपके लिए है। उसके अलावा हम बात करें इसके पीछे की साइड, तो पीछे की साइड भी आपको यहाँ पे एक एनयू रिपब्लिक का एक लोगो मिल जाएगा, ब्रांडिंग मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे नीचे लिखा है ऑल अबाउट द बास एंड आपको यहाँ पे एक सुंदर सा तस्वीर जो है हेडफोन का मिल जाएगा। चलिए अभी बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में। तो ये हेडफोन आपको मिल जाएगा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 5.0 के साथ। उसके अलावा आपको यहाँ पे जो ड्राइवर मिलने वाला है वो है लेटेस्ट नियोडिमियम। उसके अलावा आपको यहाँ पे मैक्सिमम 8 आवर्स तक का जो बैकअप टाइम है वो आपको यहाँ पे मिल सकता है। एंड इस हेडफोन के साथ आपको यहाँ पे ऑक्सिलरी इनपुट भी मिल जाएगा। साथ ही में ये पैसिव नॉइस को कैंसिल भी करता है एंड जो अनवांटेड नॉइस है आपके सराउंडिंग में उसको भी ये ब्लॉक करता है। चलिए बात करते हैं कुछ और फीचर्स के बारे में। तो इस हेडफोन का जो मैक्सिमम डिस्टेंस रेंज है वो है अप टू 10 मीटर्स। तो यहाँ पे जो हेडफोन का जो कंट्रोल्स है वो कंट्रोल्स आपको यहाँ पे उसके ईयर कप्स के ऊपर मिल जाएगा। उसके अलावा हम बात करें इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर मेन यूनिट यानी कि मेन हेडफोन मिलने वाला है। उसके अलावा आपको यहाँ पे 3.5 mm का ऑक्सिलरी एक केबल मिलेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे माइक्रो USB केबल मिलेगा जो कि इस हेडफोन को चार्जिंग करने के लिए मिलने वाला है। और उसके साथ आपको यहाँ पे एक क्विक जो स्टार्ट गाइड होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जल्दी से इस बॉक्स को हम करते हैं अनबॉक्स। तो जैसे हम अनबॉक्स करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ से पैकेजिंग देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस केबल के बारे में। तो यहाँ पे आपको एक माइक्रो USB जो केबल है उस वायरलेस हेडफोन को चार्ज करने के लिए दिया हुआ है। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक ऑक्सिलरी केबल मिल जाएगा। तो ये ऑक्सिलरी केबल का यूज़ करके आप डायरेक्टली हेडफोन को यूज़ कर सकते हो विदाउट बैटरी। एंड लास्ट में अगर मैं बात करूँ इस हेडफोन का, तो यहाँ पे आपको कुछ हेडफोन को इस प्रकार के देखने को मिल जाएगा। चलिए इसको मैं निकालता हूँ बाहर। जैसे मैं इसको बाहर निकालता हूँ कुछ इस प्रकार का आपको हेडफोन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ से ऐसे अनफोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ उसका बिल्ड क्वालिटी का, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे पैडिंग दिया हुआ है ऊपर की साइड, और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टारबॉय का ब्रांडिंग किया हुआ है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसके कुशन के बारे में, तो यहाँ पे जो आपको कुशन मिल जाएगा वो बहुत ही सॉफ्ट है। तो आई मीन टू से कि अगर आप इसको यहाँ से ऐसे हेडफोन को आप अपने ईयर के ऊपर पहन लोगे तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे दर्द जो है वो महसूस नहीं होगा। इसके अलावा इसका जो बाहर का जो लुक है वो है मेट फिनिशिंग, और यहाँ पे आपको कुछ स्टाइलिश लोगो भी दिया है दोनों की तरफ जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और उसके अलावा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपको लेफ्ट एंड राइट का यहाँ पे सिंबल भी दिया है जो कि आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हो इसका यूज़ करने के टाइम पे कि कौन सा लेफ्ट है और कौन सा राइट चैनल है, तो आप सही ढंग से इसको यहाँ पे पहन सकते हो। तो कुछ इस प्रकार से मेरे हेड के ऊपर ये फिट आराम से हो जाता है। अगर आपको इस हेडफोन को यहाँ से एडजस्ट करना है तो आप इसको एडजस्ट भी यहाँ से ऐसे खींच के कर सकते हैं। अगर आपका हेड थोड़ा सा बड़ा है तो आप उसको यहाँ से एक्सपांड करके आप भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मेरा जो हेड है वो थोड़ा सा स्मॉल है तो मुझे इसको एक्सपांड करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली नहीं है। तो आप देख सकते हो कि परफेक्टली अभी मैं इस हेडफोन को यहाँ पे मैंने अपने हेड के ऊपर लगा लिया है और मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत महसूस नहीं हो रही है। और उसका जो कुशन है वो काफ़ी सॉफ्ट है, तो अगर मुझे लग रहा है कि इसका यूज़ में 2 से 3 घंटे तक मुझे करना है तो मैं आराम से कर सकता हूँ।
तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस वायरलेस हेडफोन के ईयर कप्स के बारे में, तो सबसे पहले इस ईयर कप्स के ऊपर आपको यहाँ पे एक पावर बटन मिलेगा, जो पावर बटन का यूज़ आप इसको ऑन या ऑफ करने के लिए या फिर कॉल को रिसीव करने के लिए या फिर एंड करने के लिए आप कर सकते हैं। उसके अलावा आपको इस हेडफोन को चार्ज करने के लिए यहाँ पे माइक्रो यूएसबी 2.0 जो है उसका पोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके अलावा आपको यहाँ पे एक ऑक्सिलरी केबल का जो है इनपुट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड साथ में इस हेडफोन के अंदर आपको यहाँ पे एक एलईडी इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, जिसके बारे में हम शॉर्टली बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम बात करते हैं कि इस हेडफोन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे दिया गया पावर बटन को यहाँ से हम प्रेस करके रखेंगे, मतलब कि इसको आप जब लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से मैं इसको टर्न ऑन कर लेता हूँ। जैसे आप इसको टर्न ऑन करोगे तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलईडी इंडिकेटर जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है, और यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में रेड एंड ब्लू कलर का जो एलईडी है वो यहाँ पे इंडिकेट नज़र आएगा। तो इसका मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल ये जो हेडफोन है वो हेडफोन किसी भी वायरलेस डिवाइस के साथ यहाँ पे मतलब कनेक्टेड नहीं है। तो आपको कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले मैं मेरे फ़ोन के साथ इसको कनेक्ट करना चाहूँगा। एक बार ब्लूटूथ मोबाइल का ऑन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा NU*VOID, तो यहाँ पे आपको प्रेस करके इसको कनेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे इस वायरलेस हेडफोन को तो आपको एक यहाँ पे कनेक्टिंग बीप आवाज़ जो है सुनाई देगा। एंड अगर मैं बात करूँ इसके बैटरी स्टेटस का तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे फ़ोन के अंदर कि यहाँ पे लिखा है 50% बैटरी रिमेनिंग, मतलब कि इसका बैटरी का जो स्टेटस है वो भी आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। उसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब आप इस हेडफोन को यहाँ पे पहन लोगे, उसके बाद आप जब इस हेडफोन से कोई बेस वाला या फिर कोई बास वाला आप गाना सुनोगे या फिर सॉन्ग सुनोगे तो आपको यहाँ पे वाइब्रेशन जो है वो महसूस होगा, मतलब कि जब आप कोई वूफर या फिर कोई जो 5.1 चैनल का जो स्पीकर है उसके अंदर जैसे आप वाइब्रेशन फील कर सकते हो, वो सेम टाइप का जो वाइब्रेशन है वो आप यहाँ पे इस हेडफोन के थ्रू आप फील कर सकते हो। तो मुझे नहीं पता कि ये वाइब्रेशन जो है आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, मगर पर्सनली मुझे इस हेडफोन के अंदर जो वाइब्रेशन फील होता है बास के थ्रू, तो ये मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आ रहा है। इसके अलावा इस हेडफोन का अगर मैं नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करूँ तो जब इस हेडफोन का आप फुल वॉल्यूम के ऊपर यूज़ करने वाले हो तो ये जो साउंड है वो साउंड थोड़ा सा लीकेज यहाँ पे हो रहा है। आई मीन टू से जब आप इसको यूज़ करोगे फुल वॉल्यूम के ऊपर, तो अगर आपके पास में कोई पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसको पता चलेगा कि आप क्या सुन रहे हो अपने हेडफोन से। इट मीन्स कि यहाँ पे जो साउंड है वो साउंड यहाँ से थोड़ा सा लीकेज हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको याद है तो स्टार्टिंग में मैंने आपको एक पॉइंट के बारे में बात किया था कि इस हेडफोन के थ्रू आप वायरलेसली जो है फ़ोन रिसीव भी कर सकते हो। तो इस हेडफोन के अंदर आपको यहाँ पे एक इनबिल्ट माइक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप जो कॉल्स है वो कॉल्स को उठा भी सकते हो और आप लंबे टाइम तक इस हेडफोन के थ्रू वायरलेसली आप बातचीत भी कर सकते हो। एंड पर्सनली अगर मैं बात करूँ मेरा एक्सपीरियंस का इस हेडफोन के साथ, तो मैंने 2 से 3 घंटे तक इस हेडफोन का यूज़ करके मैंने फ़ोन कॉल्स के ऊपर बातचीत किया है और पर्सनली मुझे कोई भी यहाँ पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ इसका माइक का क्वालिटी के बारे में, तो इसका जो माइक है वो है ओमनीडायरेक्शनल। इट मींस कि अगर आप ओमनीडायरेक्शनल माइक को यूज़ कर रहे हो तो आपका जो आवाज़ है वो सभी डायरेक्शन से वो कैप्चर कर लेता है। तो दोस्तों अगर आप इस हेडफोन का यूज़ नहीं कर रहे हो तो आप उसको यहाँ पे ऐसे नेक के ऊपर भी आप रख सकते हो, और मुझे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं हो रही इस हेडफोन को ऐसे यूज़ करने के लिए। मगर एक चीज़ है कि यहाँ पे इसका जो कुशन है वो कुशन आपके यहाँ पे जो फेस है वो फेस के साथ यहाँ पे टच हो सकता है। तो अगर आपके फेस के ऊपर टच हो रहा है तो आप यहाँ पे जो इसका जो ये जो बैंड है वो बैंड को यहाँ से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अभी हम बात करते हैं इसके प्राइस पॉइंट के बारे में। तो दोस्तों इस हेडफोन को मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था 799 रुपीज़ के अंदर, और मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपका जो बजट है वो 500 रुपीज़ से लेके 1000 रुपीज़ के बीच में है तो आप डेफिनेटली इस हेडफोन के साथ आप जा सकते हो, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इससे जो ज़्यादा क्वालिटी और इससे जो अच्छा साउंड क्वालिटी जो है वो आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप डेफिनेटली अगर आपका बजट है 500 रुपीज़ से लेके 1000 के बीच में, तो डेफिनेटली आप इस हेडफोन को परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर फिलहाल बस इतना ही। सो आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो के ऊपर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, एंड अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल यू डू वॉट एवर यू वॉन्टेड टू डू, एंड बाय फॉर नाउ।